You are preparing for an exam that will put you in extraordinary position. And it is very obvious and very natural that you are going through variety of emotions related to anxiety, stress. Of course, that is because of so many pressures and expectations, some self-imposed, some externally imposed. बेटा शादी के बाद भी यूपीएससी लिख सकती है ना। वैसे भी बड़ी बहू किसी कलेक्टर से कम थोड़े होती है। पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, उम्र थोड़ी ना वापस आएगी। पांच साल से पढ़ रहा है, क्या पढ़ता है पता नहीं, इससे ना हो पाएगा। ये बड़े बड़े सपने देखने से कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाता। ऐसे सपने सिर्फ बड़े लोग देखते हैं। अपने पांव जमीन पर रखो तो बेहतर होगा। जमुना बाई की टॉपर थी तो यूपीएससी ने उसकी कमंड उतार दी। इतनी मेहनत की क्या फायदा हुआ? 3 बार लिखी थी, तीनों बार प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई। बाप के पास बहुत पैसा है, उसको क्या ही फर्क पड़ता है। मैं उसकी जगह होता ना तो टेंशन फ्री होता। लो भाई, ये सब तुम्हारे छोरे के बस की बात नहीं है। अपनी औकात से बड़े सपने मत देखो। हाँ, बाप पहले कर्ज में डूबा और अब नवाब शहर जाएंगे पढ़ने। कलेक्ट्री बनना कोई खेल नहीं है जो चल दिए मुंह उठाकर। सुना है भैया तो प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर रहे हैं, पर इंटरव्यू राउंड में तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। अपने बहन के बारे में तो सोच, उसकी अभी शादी बची है, 1-2 साल में तो खत्म नहीं होने वाला। कौन खर्चा उठाएगा इस सबका? पापा का हाथ बटाने की उम्र में तू उनसे पैसे मांग रहा है। इस बार जो फेल हुई तो घर वाले शादी करा देंगे, फिर कलेक्ट्री करेगी अपने ससुराल में। कभी हमारे बारे में सोचा है? यूपीएससी के चक्कर में 5 साल से इंतजार कर रही हूं। कितने दिन तक इंतजार करूं? दाल रोटी मिल जाए काफी है, ये सब क्यों चाहिए? और कितने दिन तक? अब तक हमने तुम्हारी इतनी बात मानी, अब तुम जिद छोड़ दो। पापा की परी तो पापा की सुनती ही नहीं। इतनी उम्र में घर का बोझ बनके पढ़ाई का संभाल ले। 3 बार लिखी थी, तीनों बड़े सपने सिर्फ बड़े लोग देखते हैं। इतना ऊंचा मजे के अपने ही शौक है, इस टाइम भी फेल हो गए शादी के बाद। बाप का बिजनेस संभाल लेंगे, इनका तो सेट है यार। वैसे भी बड़ी बहू किसी कलेक्टर से कम नहीं है, हमारा नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोच। कभी प्लान बी के बारे में सोचा है? कॉलेज क्या टाइम की उड़ने लगी थी, आसान नहीं है इन आवाजों को बंद करना, पर तुम्हें लड़ना है। लगा सबको पागलपन, वो सपना तुम्हें सच करना है। मंजिल तुमको तय करनी है, क्योंकि अभी तो एक और जंग लड़नी है।